फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कोरोना पीरियड चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ एक सकारात्मक स्टोरी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसे पहले सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तो इसे हम कहानी को सुनने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आप इस कहानी को जितने मिनट सुने उतने मिनट कहानी में उतर जाएं या कहानी में जिएं। कहानी सुनने और कहानी में जीने में बड़ा फ़र्क हो जाता है। सुनना और पढ़ना कोई भी कर सकता है, ठीक, लेकिन कहानी में जीना अलग बात है। तो एक बार एक राजा रहता है जो अपने सुनार को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे एक सुंदर छल्ला बनाकर लाओ, एक सुंदर छल्ला बनाकर लाओ और उसमें एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य लिखो, शब्द लिखो जो मुझे हर समय काम आए। तो सुनार क्या करता है, सुनार एक सुंदर छल्ला या एक सुंदर रिंग बना लेता है और उसके बाद वह बहुत बड़ा या बहुत अधिक परेशान रहता है कि इसमें क्या लिखा जाए जो इस राजा को सदैव काम आए। तो उसके बाद उसी में या उसी गांव में एक फ़कीर आया रहता है। तो वह फ़कीर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। तो फ़कीर कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें लिख दीजिए दिस डू विल आल्सो पास, दिस डू विल बी आल्सो पास, अर्थात यह भी गुजर जाएगा या यह भी बीत जाएगा। ये लिख करके वह राजा को वह छल्ला भेंट कर देता है और कुछ दिनों बाद राजा एक विजय यात्रा पर जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा एक विजय यात्रा पर जाते हैं और होता यह है कि राजा बहुत बुरी तरीके से पराजित होकर के वापस अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। और जब गुफा में छिपते हैं तो उन्हें घोड़ों की, दुश्मनों के सैनिकों की टाप सुनाई देती है और वह पूरा पसीने से तरबतर हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके पास अंगूठी थी या रिंग थी उसे देखते हैं तो उसमें लिखा होता है दिस डू विल बी पास्ट, यानी यह भी बीत जाएगा। और इस प्रकार से उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया हो और प्रकाश भीतर आ रहा हो, यानी रोशनी मिल गई हो। और कुछ समय बाद जो घोड़ों की टाप थी वह सुनना बंद हो जाती है और राजा फिर तीसरे दिन लड़ाई लड़ता है और विजयी होता है। विजय होने के पश्चात वह अपने राज्य को वापस जाता है, वहाँ पे उसका स्वागत धूमधाम से किया जाता है और वह फूले नहीं समाता है, अकड़ जाता है। तब तक उसकी नज़र अपनी अंगूठी पे जाती है जो हीरे से चमचमा रही थी, उससे फिर वही लिखा होता है यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। तो फिर राजा की जो अकल रहती है या फिर जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है वह अपने लेवल पर आ जाता है या फिर वह व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। और बाकी कहानी आपकी यहीं तक है। बस इसका सार यह है कि चाहे आपके पास कितनी भी खुशी हो या कितना भी गम हो, दुख हो, आपको दोनों भी परिस्थितियों में, दुख की परिस्थिति में ना आपको टूट जाना है और सुख की परिस्थिति में ना आपको फूल जाना है या अकड़ जाना है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर जो अपने आप को नियमित, संयमित और एक समान रख लिया, फिर उसके लिए दुख और सुख दोनों एक ही चीज़ है। बस आप खुद को पहचानें
जो आपका अस्तित्व है उसे पहचानें, और उसी के साथ यदि आपकी सपोज दैट बहुत अच्छी खुशी है आपके परिवार में, तो आप उसमें इतना ना अकड़ जाएं, जैसे किसी का जन्म होता है, किसी का शादी विवाह है, तो आप इतना ना अकड़ जाएं, ठीक। और क्योंकि अभी समय बीत जाएगा, या समय नहीं बीतेगा, या अभी जो खुशी है वह बीत जाएगी। और इसके उपरांत यदि आपके घर में कोई बड़ा संकट आता है, आपके परिवार में, आपके समाज में, या किसी की मृत्यु हो जाती है अनिश्चितकाल या फिर आपातकाल में, तो उस समय आप इतना ना टूट जाएं जिससे आपको खुद हानि हो। दोनों इस परिस्थिति में अगर आप समान रहते हैं तो एक अच्छे मनुष्य के तरीके से आप जी पाएंगे। और समय बहुत लंबा ना लेते हुए फिर यही आपसे कहेंगे कि आप इस कठिन परिस्थिति को भी नॉर्मल लें, और बहुत अधिक खुशी हो तो भी उसे ही नॉर्मल लें, क्योंकि दोनों क्या हैं, क्षणिक है, यानी कुछ समय पश्चात बीत जाएगा। और इसी के साथ अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद।